हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने भी अभी स्टेटस देखा जो शुरू स्टार्टिंग में इस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस आप भी बनाना चाह रहे हैं लेकिन आपको बनाते नहीं आ रहा, तो दोस्तों इसका मैं फुल ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों वहाँ से आप बना सकते हैं देख के। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि आपने जो वीडियो देख रहे हो दोस्तों, लाइक डिसलाइक भी आपने नहीं बरसा रखा तो वो भी बरसा दिया करो यार, ताकि मुझे भी तो पता चले कोई मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं सुधार पाऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं अब मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप अभी स्टेटस देखा है, वैसे बनाने के लिए आपको इस एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर वहाँ से नहीं डाउनलोड हो रहा तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये सेटिंग कर लेना है जो मैं करके रखा हूँ, तो दोस्तों आपको भी यही कर लेना है। इसके बाद आप से क्रिएट प्रोजेक्ट जाके क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको फ़ोटो लेना है, तो आपको फ़ोटो लेने के लिए प्लस आइकन पर जाना है। इसके बाद ये सेकंड नंबर पे दिख रहा है इमेज एंड वीडियो, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद व्यू ऑल में जाना है, अब फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, मेरी खुद की फ़ोटो ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हो आपकी। इसके बाद दोस्तों आपको मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है। इसके बाद आपको नीचे तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाके आपको फिर से फुल स्क्रीन में फिट करना है फ़ोटो को। जब तक ये पूरे स्क्रीन में फिट ना हो जाए, जब तक इसे जूम करता रहना है। तो दोस्तों, मैं इसे कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों ऊपर वाले ऑप्शन पे जाके इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस इमेज का साइज 5 सेकंड तक रख लेना है। तो दोस्तों, मैं इसे इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ। दोस्तों, आपको भी सेम यही करना है, इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इसे कट कर देना है, तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा कट करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद आपको फिर से इमेज लेना है, आपको प्लस आइकन पे जाके फिर से इमेज एंड वीडियो में जाके आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं फिर से फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं फिर से मूव एंड ट्रांसफर में जाऊँगा, फिर इसको फिर से थर्ड वाला ऑप्शन पे जाके इसके फुल स्क्रीन में फिट कर दूँगा इस तरह से। तो दोस्तों, आपको भी सेम यही करना है प्रोसेस, कुछ इस तरह से कर लेना है आपको भी। इसके बाद आपको ऊपर वाला ऑप्शन जाके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। फिर दोस्तों, इस वाली इमेज का भी आपको 5 सेकंड टाइम रखना है इसका भी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इसको खींच लेना है आपको। तो आपको भी इस तरह से आपको इमेज पे टेप करके आपको इस तरह से बढ़ा लेना है इसको। इसके बाद दोस्तों इसे कट कर देना है। दोस्तों, इसके बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे जाना है, फिर फोटो ले लेना है, फिर फोटो लेने के बाद दोस्तों आपको फिर से वही स्टेप अपनाना है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं अब वीडियो फास्ट करने वाला हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। दोस्तों, आपको वीडियो रुक रुक के देख के आपको एडिट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अब वीडियो फास्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे फर्स्ट वाली फ़ोटो पे जाके आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफर में जाना।
इसके बाद दोस्तों आपको प्लस वाला आइकन टिक करना है। इसके बाद दोस्तों फोटो पे टिक हो जाएगा, तो दोस्तों मैं टिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको फोटो को इस तरह से आगे ले जाना है, जैसे कि इस तरह से आपको 20 पॉइंट बोल सकते हैं इसको, तो मैं 20 पॉइंट पे जाके इस पे फिर प्लस का निशान लगा दूंगा। जैसे ही प्लस पे टिक किया तो इस फोटो के बीच में ग्रीन कलर की टिक आ जाएगा, तो आपको दोस्तों इसको इस तरह से पूरा खींच लेना है इसकी लास्ट बॉर्डर तक। तो दोस्तों इस तरह से आपको खींच लेना है। इसके बाद इस फोटो के लास्ट में फिर से एक प्लस लगाना है, फिर इस तरह से फोटो को फिर से ऐसे इस तरह से आपको धीरे धीरे ऐसे फोटो को खींच लेना है इस तरह से। तो दोस्तों आपको सेम यही अप्लाई करना है ऑल फोटो पे, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर से इस पर भी सेम यही अप्लाई करेंगे, फिर से इस फोटो के स्टार्टिंग में प्लस लगा देना है, फिर 20 पॉइंट पे जाके फिर से इस तरह से टिक लगाना है, फिर फोटो को इस तरह से खींच देना है जब तक इसकी बॉर्डर लास्ट ना आ जाए। तो दोस्तों इस तरह से खींचना है, इस तरह से खींच लेना है ना दोस्तों। इसके बाद इस फोटो के लास्ट पे आके फिर से प्लस देंगे, प्लस लगाएंगे सॉरी, प्लस लगाने के बाद दोस्तों फिर से इस तरह से खींच देंगे ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको सेकंड वाली फ़ोटो पे भी यही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, फिर इस फोटो के फर्स्ट में प्लस लगाना है, फिर थोड़ा सा इस फोटो को आगे कर लेना 20 पॉइंट तक, फिर से इस पर क्लिक करना है, फिर फोटो को कुछ इस तरह से आपको पूरा खींच लेना है इस तरह से। इसके बाद दोस्तों फिर से इस लास्ट में जाके फिर प्लस वाला पॉइंट लगा के फिर इस तरह से फोटो को फिर खींच देना है। तो दोस्तों आपको यहीं पे ध्यान देना है, जब जाके दोस्तों आपका स्टेटस बन पाएगा, नहीं तो अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो तो आप नहीं बना पाएंगे फिर इस तरह का स्टेटस। तो दोस्तों आपको ध्यान से बनाना है। दोस्तों मैं फिर से अप्लाई कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से लगा देना है, एडजस्ट कर लेना है, इस तरह से खींच लेना है आपको। इसके बाद आपको लास्ट पे लाके इस पे प्लस लगा देना है, और यहाँ से आपको ये लिखा हुआ स्वाइप है तो आपको यहाँ से इस तरह से खींच लेना है कुछ इस तरह से लास्ट बॉर्डर तक। इसके बाद दोस्तों सॉन्ग लगाने के लिए आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे जाना है। इसके बाद आपको ये सेकंड नंबर पे दिख रहा है ऑडियो का, तो इस पे जाके आप सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले से सॉन्ग ले रखा हूँ तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों सॉन्ग बड़ा है तो इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों वीडियो को और अच्छा लुक देने के लिए लाइट इफेक्ट लगा देंगे, इसके लिए आपको प्लस वाला आइकन पर जाना है, फिर इमेज एंड वीडियो में जाना है। इसके बाद आपको लाइट वीडियो इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपके पास नहीं है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसे फुल स्क्रीन करने के लिए आप ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसके बाद फुल स्क्रीन पर जाके आप इसको क्लिक कर देना है, तो ये पूरे स्क्रीन पर लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पे लाइटिंग दिख रहा है तो उस पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद इसको स्क्रीन कर देना। तो दोस्तों ये इस तरह से हो जाएगा। फिर और दोस्तों ये 10 सेकंड का है तो इसको और डुप्लीकेट लगाना है, तो आपको फिर से वही इमेज एंड वीडियो में जाना है,
फिर से उसको सिलेक्ट कर लेना है लाइट इफेक्ट वाले वीडियो को। इसके बाद आपको फिर से फिल स्क्रीन कर देना है, फिर ब्लेंडिंग में जाना है, फिर इसे स्क्रीन पे कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपना यूट्यूब का चैनल का लोगो लगाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम का, तो आपको इस तरह से कुछ बना लेना है जैसे मैं पहले से बना के रखा हूँ। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इसे एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको ब्लेंडिंग में जाना है, फिर इसे लाइटर में जाके इसे स्क्रीन कर देंगे। सॉरी दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं फिर से ट्रिम कर दूंगा कुछ इस तरह से लाइट इफेक्ट, और इसका फुल स्क्रीन पे कर दूंगा। तो ओके दोस्तों वीडियो बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों इसे सेव करने के लिए आपको ऊपर दिख रहा है कोने में, तो आपको इस पर जाके क्लिक करना है और यहाँ से आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ में बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज का